नमस्कार दोस्तों मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक आज हम दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक कैंपस में हैं जहां पर आज हम बात करेंगे अंबर हबीब से अंबर शिवनाडर यूनिवर्सिटी में मैथ्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को अंबर को इंटरव्यू करने का जो हमारा विचार था वो इस वजह से आया कि अंबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये बताया कि यू की जो ड्राफ्ट है आ, फोर ईयर फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का वो प्लेजराइड है और उसमें यू के ऑफिशियल्स या फिर जिन भी ऑफिशियल्स ने उनसे तैयार किया है उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के जो आ, हम कहें कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे बहुत कुछ आ, लिफ्ट किया है उठाया है उससे उसके साथ में आ, एक बड़े तबके में ये भी चर्चा है और एक भी ये भी चिंता है कि ये जो नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसके बिहाफ पे हम अब इस देश में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को पढ़ेंगे उसमें काफ़ी डाइल्यूशन होने जा रहा है तो हम अंबर से इस आस्पेक्ट पे इस पहलू पे भी बात करेंगे अंबर सर न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया आ, पहले हमें यह बताइए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि आ, हमें ये पता कि हमें पता चला कि जो यू का डॉक्यूमेंट है वो प्लेजराइज है एज़ इन उन्होंने बहुत कुछ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो अमेरिका में दो यूनिवर्सिटीज़ है उन उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट से उठाया है अब मेरा जो आ, सवाल है वो ये है कि मान लीजिए कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट अच्छा डॉक्यूमेंट है और उससे कुछ उठाया जा रहा है तो उसमें ऐतराज किस बात का होना चाहिए हाँ तो ये थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं और क्योंकि ये जो ड्राफ्ट करिकुलम है फोर ईयर प्रोग्राम का ये हमारे हायर एजुकेशन हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को पूरा बदलने जा रहा है तो जो पुराना सिस्टम था वो बिल्कुल ही छोड़ के हम एक बिल्कुल नए रास्ते पे चलने वाले हैं इसमें तो जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो पूरा बदल रहा है आपका जो मेन डिसिप्लिन है उसमें आप कितने कोर्सेज कर रहे हैं वो बदल रहा है और आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा फिर से प्लस टू में तो आप स्पेशलाइज करने लगते हैं क्लास टेंथ तक आप सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और दो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं प्लस टू में आप इसको छोड़ देते हैं आप स्पेशलाइज करते हैं इसमें आप फिर से सब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे इन तो एक सेंस में आप वापस क्लास नाइन और टेन टाइप के एजुकेशन में जाएंगे तो एक ये पूरी बिल्कुल ही एक रिकन्स्ट्रक्शन है हमारे हायर एजुकेशन का तो इसलिए मैं इस डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था क्योंकि इसको समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आगे इसमें हमारे लिए क्या रखा है अब उसको पढ़ते वक्त पहले मुझे लगा कि इसमें काफ़ी इनकन्स्टेंसीज हैं कि कहीं किसी चीज़ को 24 क्रेडिट का बताया जा रहा है तो फिर कहीं और उसको 18 क्रेडिट का बताया जा रहा है एक जगह एक कोर्स लिखा है कि ये सबके लिए कंपलसरी है और बाद में जब लिस्ट है तो वह कोर्स बिल्कुल ही गायब है आ, एक जगह लिखा है कि आपको पहले साल में 40 क्रेडिट करेंगे और तब आप एक सर्टिफिकेट लेके छोड़ सकते हैं लेकिन सिलेबस में एक्चुअली पहले साल के लिए खाली बत्तीस क्रेडिट हैं तो उसमें इतनी इनकन्सटेंसीज थी आ, कि मैं थोड़ा परेशान हो रहा था कि इसको समझें कैसे किस बात को सच माने और किस बात को ग़लती माने अब बात यह है कि ऐसे टीचर जब आप देखते हैं कि किसी स्टूडेंट ने एक लंबा ऐसे लिखा है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और वो एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं तब ये साफ़ होने लगता है कि अलग अलग जगहों से लिए उस... चीटें हाँ, चीटिंग किए और बिना समझे कहीं से उठा के रखा है ना क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल लगा उसको तो वो खुद से नहीं समझ पाया इसलिए उसने कहीं से उठा के रख दिया तो मुझे लगा ये भी उसी तरह का हो सकता है मुझे एक सेंटेंस दिखा जो औरों से मुझे थोड़ा अलग लिखा लगा तो मैंने उसको गूगल किया और फ़ौर ही कुछ मिनटों में पता चल गया कि डॉक्यूमेंट के बहुत बड़े हिस्से और यूनिवर्सिटी से कॉपी किए गए हैं अब इस प्लेजरिज्म को तब यू जी सी हटा ही सकते हैं अब वो अपने वर्ड्स में उसको फिर से लिख सकते हैं लेकिन ये खाली प्लेजरिज़म uh, की उस सेंस में बात नहीं है ये ये दिखाता है कि जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया उनके दिमाग में एक यूनिफाइड विजन नहीं था अगर वो होता तो उन्हें इस तरह कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन्हें नहीं पता था ख़ुद से कि सबको साइंस फिर से क्यों पढ़नी चाहिए सबको नेचुरल सबको सोशल साइंस सबको ह्यूमैनिटीज़ सबको वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है गए उनके पास ख़ुद क्लैरिटी नहीं थी वो ख़ुद से नहीं लिख पाए इसलिए वो और यूनिवर्सिटीज़ के पास गए और जो वहाँ उन्हें बना बनाया मिल गया वो उन्होंने उठा के रख दिया तो ये खाली एक प्लेजरिज्म की बात नहीं है ये दिखाता है कि इस कमेटी को एक्चुअली पता नहीं था कि हाँ एजुकेशन के बारे, हाँ, पार के बारे हाँ। में उन्हें एक क्लियर आइडिया नहीं था और ये प्रॉब्लम ये है एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है इस कमेटी के पास भी एक बिल्कुल इम्पॉसिबल काम था उनके सामने क्योंकि ये चाह रहे हैं कि बहुत रिजिड और एक बहुत यूनिफॉर्म करिकुलम पूरे मुल्क के लिए हो हर इंस्टीट्यूशन के लिए हो सब लोग बिल्कुल एक ही तरह से उसको करें अब जब एक यूनिवर्सिटी अपना करिकुलम बनाती है तो वह सोचती है कि हम किस तरह के स्टूडेंट को लेंगे उनके क्या बैकग्राउंड होंगे उसी हिसाब से वो अपने इनिशियल कोर्सेज प्लान करते हैं उस स्टूडेंट का ब्रेथ ऑफ नॉलेज कितना होगा उस हिसाब से वो तय करते हैं कि इसको साइंस भी चाहिए कि नहीं इसको क्या फिर वो सोचते हैं कि हमारे बाद वो क्या करेगा वो जॉब के लिए जाएगा वो रिसर्च के लिए जाएगा उस हिसाब से वो अपने फाइनल ईयरस प्लान करते हैं ये तो हर एक यूनिवर्सिटी का काम होता है अब आप सब यूनिवर्सिटी से अगर आप कहने चलेंगे कि आपको एग्जैक्टली एक ही चीज़ करनी है तो कोई कॉमन इसका मॉडल है नहीं वो तो कॉमन हाँ कोई कॉमन मॉडल हो ही नहीं सकता पूरे मुल्क के हर इंस्टीट्यूशन के लिए लेकिन इन्हें एक बनाना था तो इसलिए इन्होंने खिचड़ी बनाई है जो भी इन्हें लगा कि अच्छी तरह से लिखा हुआ है कहीं से एक हिस्सा उठाया कहीं से दूसरा हिस्सा उठाया और उसको फिर हमारे सामने रख रखते तो अब आते हैं हम अगले सवाल पे है ना हम यूजुअली पाते हैं हम मैथ्स पढ़ाते हैं चुनाड यूनिवर्सिटी में है ना हालांकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन मैं जब जब हम मैथ्स की बात करते हैं मैथेमेटिक्स की बात करते हैं ये अपने आप में एक फुल फ्लैज डिसिप्लिन है ना इसमें मतलब ये जो है इकोनॉमिक्स में भी कंट्रीब्यूट करते है स्टैट्स में भी कंट्रीब्यूट करते है साइंसेज में भी इसका रोल है अब अब, अब अ, प्र, अ, मतलब प्रेजेंटली हम अगर ये जो ड्राफ्ट को, फ्रेमवर्क को देख रहे हैं तो जो हमें समझ में आ रहा है कि भैया चार साल का कोर्स पढ़ाएंगे जिसमें डेढ़ साल जो है कॉमन मॉडल्स पढ़ाए जाने हैं और ढाई साल में तकरीबन अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जानी है और चौथे साल में जो एट्थ सेमेस्टर है उसमें एक रिसर्च का कॉम्पोनेंट होगा और अगर बच्चा बहुत अच्छा करता है स्टूडेंट बहुत अच्छा करता है तो वो डायरेक्ट पीएचडी में जा सकता है मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम बाहर जब हम हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो वो अच्छा करते हैं उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा अच्छा पढ़े लिखे हैं क्या ये नए फ्रेमवर्क के आने के बाद में दिक्कतें होने वाली हैं हाउ डू आप कैसे देख रहे हैं एज मैथ्स टीचर तो एक काम करते हैं इसको स्टूडेंट व्यू पॉइंट से देखते हैं <coughs> मान लीजिए आपको मैथ्स बहुत पसंद है और आप आगे मैच पढ़ना चाहते हैं और ये इसके भी आपके अलग मोटिवेशन हो सकते हैं क्योंकि आ, हो सकता है आपको बस मैच से ही प्यार हो और आप फिर बस उस प्यार से आप ज़िंदगी भर उस मैच से खेलना चाहते हैं तो एक ही हो सकता है दूसरा हो सकता है कि आपको ये अच्छा लगता है कि मैच के बहुत एप्लीकेशंस हैं तो इस तरह से उसकी एक इम्पॉर्टेंस है आप उसको परशू करना चाहते हैं आप उसको इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं मेडिसिन में सोशल uh, साइंस में भी एक्चुअरियल और इनफैक्ट लिटरेचर आर्ट हर जगह आजकल मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन होने लगा yeah. तो आपका इसमें इंटरेस्ट हो सकता है अब इसमें एक मजे की बात है कि एन और ये एफ दोनों कहते हैं कि हम स्टूडेंट को इंडिविजुअल चॉइस देना चाहते हैं कि आप जो चाहें उस तरह करें लेकिन इंडिविजुअल चॉइस दी नहीं है क्योंकि फाइनली चॉइस का उनका ये इंटरप्रिटेशन है कि हर स्टूडेंट हर चीज़ पढ़ेगा hmm. तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने प्लस टू में मैथ्स और उसके अलाइड सब्जेक्ट्स लिए और अब मैं कॉलेज में आया तो मैंने जो सीख लिया मैं उसको बढ़ाना चाहूँगा लेकिन तीन सेमेस्टर तक मुझे अब ये अलाउड नहीं है कि मैं ऐसा करूँ क्योंकि अब मुझे अगर मैं मैथ्स का कोर्स कोई मिलेगा भी तो वो बहुत ही बेसिक होगा क्योंकि उसको ऐसा कोर्स होना है कि सब कोई भी कर सके कॉमन कोर्स होना है उसको जिसने प्लस टू में मैथ्स नहीं की वो भी कर सके तो ये कोर्स मुझे आगे तो नहीं बढ़ाने वाला है एक मैथमेटिक्स के कैरियर के लिए तो तीन सेमेस्टर तक तो मुझे मैथ से दूर रखा जाएगा <coughs> फिर एक और मजे की बात है कि मेरा एडमिशन मैथ्स में नहीं होगा शुरू में चाहे मैं जितना भी अच्छा था मेरा एडमिशन तो बस अंडर ग्रेजुएट में होगा अकॉर्डिंग इस करिकुलम के अकॉर्डिंग तीन सेमेस्टर बाद ही मेरा मेजर डिसिप्लिन मुझे अलॉट होगा पहले तीन सेमेस्टर में मैंने जो किया उसकी बेसिस पे स्कूल परफॉर्मेंस एंट्रेंस टेस्ट परफॉर्मेंस इसका कोई मान नहीं है बस आपका एडमिशन एक जनरली कॉलेज में हो गया तीन सेमेस्टर बाद आपको पता चलेगा कि मैथ्स आपको मिलेगी भी कि नहीं और यह किस बात से तय हुआ कि आपने ये सब जनरल कॉमन कोर्सेज में कैसा किया आप मैथ्स में अच्छे हैं इसका कोई आ, आपका फ़ायदा ही नहीं है अगर आप मैथ्स में अच्छे थे लेकिन मैथ्स के तो आपने कोर्स ही नहीं किए और आप केमिस्ट्री में ख़राब थे और केमिस्ट्री के आपने कोर्स किए तो आप फिर ख़राब मार्क्स आए अब आपको वो मैथ्स नहीं दे रहे अच्छा लेकिन मान लीजिए सब ठीक रहा और आपको मैथ्स का मेजर मिल भी गया अब आप चौथे सेमेस्टर में सीरियस मैथ्स शुरू करेंगे लेकिन तीन सेमेस्टर तो आपने पढ़ा ही नहीं अब एजुकेशन में ये होता है कि अगर आप चीज़ सीख रहे हैं ना बार बार उसको री करना होता है आपने एक साल पढ़ा अगले साल आप उसको थोड़ा रिपीट करते हैं थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अगर आप डेढ़ साल मैथ्स पढ़ेंगे ही नहीं तब आप वो प्लस टू लेवल के भी नहीं रहे आप वापस नाइन्थ टेंथ में आपका एक रेग्रेशन हो जाएगा क्योंकि आपको सब फैक्ट्स नहीं याद होंगे थोड़ी लॉजिक आप भूल जाएंगे कैसे करते हैं मुश्किल मैथ्स आपको मौका ही नहीं मिला तीन सेमेस्टर तो एक तो आप तो आखिर पीछे पड़ गए मतलब थोड़े पीछे हो गए और लेकिन जब अब शुरू होगा मैच तो बहुत सीरियसली शुरू होगा और बहुत हाई स्पीड पे शुरू होगा क्योंकि अब करना तो बेसिकली जंप <laughs> अब एकदम से जंप होगा ही ही। क्योंकि पहले तीन सेमेस्टर में 48 एट क्रेडिट्स हैं जनरल कोर्सेज की अब आपके 48 एट क्रेडिट्स हैं मेजर की वो आपको रफली तीन सेमेस्टर में पूरी करनी है आपको दो माइनर भी करने हैं सोलह सोलह क्रेडिट के आपको अभी भी कुछ इंटर्नशिप कुछ यू नो सोशल वर्क इस तरह के भी कोर्सेज़ करने हैं आपको फिर नेक्स्ट तीन सेमेस्टर कुछ 25 25 क्रेडिट्स के कोर्सेज़ करने होंगे और जिनमें से ज़्यादातर बहुत एडवांस कोर्सेज़ होंगे तो एक एकदम से स्विच होगा तीन सेमेस्टर में तो आप थोड़े ये वहीं रहे या पीछे हो गए और फिर सडन जंप एक बहुत ही फास्ट बहुत ही इंटेंस मैथमेटिक्स की स्टडी तो ये भी स्टूडेंट you know, का क्या होगा इसमें मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि सब स्टूडेंट्स मतलब ड्रॉप आउट होने के रास्ते पर आ जाएंगे अनलेस हम फिर चीटिंग करें उनके साथ और एग्ज़ाम में सबको ऑटोमेटिकली पास कर दें जो कि आजकल आदत हो गई है तो फ्री के मार्क्स देके पास तो हम लोग कर ही सकते हैं तो सिस्टम को यही करना पड़ेगा लेकिन स्टूडेंट की तो, तो तबाही होगी हाँ अच्छा हाँ। फिर एक और प्रॉब्लम है कि मेजर के अब खाली 48 एट क्रेडिट्स हैं पहले तीन साल में और फिर उसके बाद फाइनल ईयर में अट्ठारह क्रेडिट का रिसर्च कनेक्टेड काम उसको करना है लेकिन जो मेन कोर्स वर्क है वो उन अड़तालीस क्रेडिट में होने वाला है पहले तीन साल में अब जो करेंट हमारा प्रोग्राम ऑनर्स प्रोग्राम है मैथ्स का आ, मुल्क में उसमें वन फोर्टी एट क्रेडिट्स तो टोटल हैं तीन साल के उसमें से एक सौ आठ क्रेडिट होते हैं मेजर के अब आधे से कम हो गए तो मतलब उसका, <laughs> उसने बहुत कम सीखना अब हाँ, मतलब मतलब जितना वो पहले सीख रहा था उस, उसका काफी कम अड़तालीस आप उसे तेजी से भी पढ़ाएं उस पर प्रेशर भी डालें आप कितना कैचअ करेंगे आप जो एक सौ आठ में पढ़ाने वाले थे वहां तो नहीं पहुंचने वाले <laughs> तो स्टूडेंट एक साल एक्स्ट्रा लगा रहा है लेकिन जो एक साल एक्स्ट्रा है वो सब बेसिक चीजों में बेकार जा रहा है जो उसकी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट की नॉलेज है वो तो बहुत कम हो जाएगी तो अगर आप बाहर जाएंगे इस नॉलेज के साथ तो जब एक दो साल हो सकता है बाहर की यूनिवर्सिटी ले भी लें उन्हें पता नहीं चलेगा लेकिन जब आप जाएंगे तो आपकी हालत तो ख़राब होगी अभी गा भी गा। कई स्टूडेंट्स को थोड़ा गैप लगता है कि जैसे अगर जो जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ एक बहुत इंटेंस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है और वो मास्टर्स के लिए जाते हैं कई स्टूडेंट्स को लगता है कि हम हमने कुछ कोर्सेज़ कम पढ़ाई किए अभी भी ये लगता है लेकिन जब आधा हो जाएगा तब उनका क्या हाल होगा वो कोप नहीं कर सकते फिर वो और एक दो साल में तो फिर बाहर की यूनिवर्सिटीज को भी पता चल जाएगा कि अब जो हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन, उनको सब्जेक्ट के बारे में कुछ आता नहीं है तो फिर वो आपको लेंगे क्यों और खाली ठीक है जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं जो मुल्क में रहने वाले हैं उनका क्या होगा क्या अब इसमें ये सवाल है मतलब मैं ये कहूँगा मतलब अगर मैं बहुत बेसिक सवाल पूछूं जैसे बी कॉम के बाद में या फिर बच्चे जो बच्चा बहुत अच्छा है वो मैथ्स में वो तो यूज क्या होता था वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाता है जहाँ पे इंश्योरेंस में आपको ये बताना हाँ। है कि आपका इतना रिस्क है और आप इतना प्रॉफिट हाँ। कर सकते हैं किसी भी कंपनी के हाँ। लिए क्या आपको ये लग रहा है कि वोकेशनल वाला जो साइड है है ना जैसे हम कहेंगे मैं मैथ्स में ट्रेन हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर में या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में जा सकता हूँ क्या उसकी जो ये स्किल जो हम कहें कि एक जिसे एबिलिटी हम कहें कि टू गेट द जॉब वो कम होने वाली है हाँ देखो डिपेंड करता है किस लेवल के जॉब की बात हो रही है ना you know, अगर है। एक बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर जॉब है या आपको किसी के ऑफिस में बैठ के एक्सेल पे थोड़ी अकाउंटिंग करनी है तो वो तो आप वोकेशनल कोर्सेज और इस सब से सीख के आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी मैथ्स की डिग्री का असली फायदा होना है वो बेसिक कोर्सेज से फिर नहीं होता है वो एडवांस कोर्सेज से होता है hmm. ना वो होता है जब आप जैसे कोई कंसल्टिंग कंपनी है जो और लोगों के लिए मार्केटिंग प्लान करती है या सुपर मार्केट्स में यू you नो know, किस चीज़ का कितना ख़रीदा जाए कहाँ रखा जाए इस तरह के वो फाइन काम करते हैं मुश्किल काम करते हैं जिसके लिए आपको थोड़ी एडवांस मैथमेटिक्स काफ़ी सारी स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन ये सब आपको आना चाहिए जो करेंट सिस्टम है उसमें तो स्टूडेंट क्योंकि एक सौ आठ क्रेडिट हैं उसमें काफ़ी एलेक्टिव हैं आप एक ख़ास डरेक्शन में जाके और काफ़ी आप पिकअप कर सकते हैं फोर्टी एट क्रेडिट्स में तो जो बिल्कुल कोर मैथमेटिक्स है कॉमन हर चीज़ के लिए जो कॉमन है आप वो कर पाएंगे आप किसी एक डरेक्शन में नहीं निकल पाएंगे जो अट्ठारह क्रेडिट रिसर्च के हैं क्योंकि वो बहुत ही स्पेशलाइज होगा रिसर्च uh, मतलब वो होगा भी कि नहीं होगा क्योंकि अब यू नो बहुत प्रॉब्लम हैं इसमें जैसे कोई टिपिकल कॉलेज है उसमें हो सकता है पाँच मैथ्स की फैकल्टी हो चालीस पचास स्टूडेंट्स हों उनके प्रोग्राम में तो हर एक फैकल्टी पाँच दस स्टूडेंट का रिसर्च कैसे कराएगी तो ये असली रिसर्च तो हो नहीं सकता नहीं। अगर वो फैकल्टी फुल टाइम रिसर्चर्स हों तब शायद वो पांच स्टूडेंट्स को रिसर्च करा सकें

पी एच डी के लिए भी जा सकते हैं सबको तो लगता है कि ये एक साल का मास्टर्स जो इतना आसान होने वाला है ये हो सकता था अगर इनका डिज़ाइन कुछ और होता जो पहले तीन सेमेस्टर रखे हैं कॉमन कोर्सेज के अगर वो फेंक देते और जो करेंट सिस्टम है उसमें कुछ स्टूडेंट्स को ऑप्शन देते कि आप एक साल कुछ एडवांस कर लो तब वो एक साल मास्टर्स के होते लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज ही इतनी पॉइंटलेस है क्योंकि फाइनली तो आप पाँच साल ही लगा रहे हो चार साल इधर एक साल उधर तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ और बीच में आपने अपने मेन सब्जेक्ट के कम किए तो वो मास्टर्स में आप कैचअप करोगे कैसे कैचअप करोगे वो एक साल में क्या जादू होने वाला है कि जो पचास क्रेडिट नहीं पड़ी थी वो कैसे अब यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगी और मास्टर्स की भी दो साल की पढ़ाई पूरी होगी एक से एक साल में तो बहुत अनरीजनेबल बात है और प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने कोई स्पेसिफ़िक करिकुलम बना के नहीं रखा हमारे सामने एक तो इस ड्राफ्ट करिकुलम में है कि ऐसा लगता है कि बस इतने वादे कर दिए हैं कि ये भी आप आपको ये अच्छा होगा मतलब एक लॉटरी की तरह है कि अगर आप जीत गए तो आपको इतने करोड़ों मिलेंगे लेकिन जब कोई ऐसे वादे करता है तो आई I मीन mean, थोड़ा सस्पेशस तो होना चाहिए कि असलियत क्या है अब सर आ, मैं ये कहूँ कि एक जो ए, इस ये जो नई व्यवस्था है ना इसका एक फाइनेंशियल पार्ट भी है ना फाइनेंशियल पार्ट में एक ही ज़्यादातर जो टीचर से मैं बात कर रहा था वो ये कह रहे हैं कि जब आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को आप जो है कोचिंग की तरफ धकेल रहे हैं पहले हम ये देखते थे कि एम बी बी एस के कोर्सेज हैं या इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनके लिए जो है आप आ, अलग अलग जगहों पे जाते थे इंजीनियरिंग जिनको करनी है वो ज़्यादातर कोटा जाते थे एम के लिए तमाम अलग अलग इंस्टीट्यूशन है और ये एक स्टैब्लिश फैक्ट हो गया था कि ये इन कोर्सेज की अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपकी जेब में अच्छा पैसा होना चाहिए आ, क्या आपको डर जो है अब ये बी और बी ए बी कॉम कोर्सेज के लिए भी लग रहा है मतलब ये फोर ईयर करिकुलम से हट बात है ये सी की बात हो गई हालांकि ऑफकोर्स सब जुड़ा हुआ है क्योंकि एक ही गवर्नमेंट सब चीज़ों को एक साथ ला रही है सीयूईटी के दो बड़े नुकसान हैं एक तो जो आप कह रहे हैं कि जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट एक एंट्रेंस टेस्ट पे हर बच्चे का भविष्य तय होगा तो प्रेशर तो बहुत बढ़ेगा ये कह रहे हैं कि हम प्रेशर कम करने के लिए इस इम्तिहान को बना रहे हैं ये बहुत ही बकवास है जब हर चीज़ एक ही एग्जाम पे डिपेंड करेगी तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही कम कैसे होगा yeah. ठीक है ये ऑब्जेक्शन है कि अभी बच्चे को कई टेस्ट लेने हो सकते हैं ठीक है अगर बच्चे को 20 टेस्ट लेने हो तो उस पर स्ट्रेन होगा लेकिन आ, एक टेस्ट की जगह कई टेस्ट देने का फ़ायदा भी है क्योंकि हर टेस्ट अलग होता है कुछ बच्चे एक टेस्ट में अच्छा करेंगे कुछ दूसरे टाइप के टेस्ट में अच्छा करेंगे एक दिन कोई बीमार होगा दूसरे दिन ठीक होगा तो वैरायटी का भी फायदे हैं तो वैरायटी तो एक अच्छी बात है और ये यूनिफॉर्मिटी तो प्रॉब्लम है जे में तो देख ही चुके हैं ना आ, कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है और कोचिंग इंडस्ट्री की वजह से हर साल जे का एग्जाम और अजीब होता जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन रखें जो कोचिंग वाले ना पढ़ा सकें तो बड़े अजीब से सवाल होते हैं अब अगले साल कोचिंग वाले उसे पढ़ा देते हैं तो फिर वह और अजीब सवाल बनाते हैं उसके बाद आईटी फैकल्टी भी कंप्लेन करती है कि हमें अब वो स्टूडेंट नहीं मिल रहे जो ऐसे हमें पहले मिलते थे उनका वो इंजीनियरिंग के लिए प्यार नहीं है जैसे पहले स्टूडेंट्स को होता था क्योंकि उनके टेस्ट ने ऐसे स्टूडेंट्स को आ, कटा दिया को एडमिट ही नहीं होने दिया अब आप खाली बहुत इन्वेस्टमेंट और बहुत कोचिंग के साथ ही आप आई में जा सकते हैं तो यहाँ भी यही होगा जब एक एंट्रेंस टेस्ट होगा तो जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं जो बड़े शहरों में हैं और जिनके पास पैसा है वही फिर सबसे ऊपर आएंगे इसमें और फिर वही सबसे आ, अच्छी कॉलेजेस में जाएंगे तो ये तो होना ही है ये हर बार हुआ है दस जो दस भी सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट है उसमें हाँ यही टीचर मतलब ओबियसली मतलब। एक तो ये लेकिन ना इसे दूसरा पॉइंट ये कि स्कूल एजुकेशन की एक फंडामेंटल तबाही होने वाली है जो आपका पूरा नाइन्थ टेंथ 11, ट्वेल्थ की पढ़ाई थी अब उसका आगे के लिए आपके लिए कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है अब तो ये खाली एंट्रेंस टेस्ट मैटर करेगा अब तो बोर्ड के लिए क्यों पढ़ेंगे अब वो एक तो जनरल एजुकेशन है क्लास नाइन्वेंथ ट्वेल्थ का उसका मतलब आप क्यों करें आपको तो बस अब चालीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे हो सकते हैं ये ट्रिक सीखनी है hmm. और इससे तय होगा कि आप कैसे कॉलेज में जाएंगे आपकी मैथ्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग कैसी है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है ये सब तो हटा दिया बोर्ड मार्क्स का अब थोड़ा भी वो नहीं है इम्पॉर्टेंस आप बस पचास परसेंट ले आइए और एलिजिबल हो जाइए उसके बाद सी से होगा hmm. तो ये तो जो जेई में यू नो जेई ने जो साइंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि बच्चे साइंस सीरियसली नहीं पढ़ते हैं और स्कूल में साइंस की सीरियसनेस कम हो गई है और वो हर चीज पे जाएगी तो यही बात हमने नीट में भी देखी कि नीट में हाँ एक बच्चा जो केमिस्ट्री में जीरो ला रहा है लेकिन वो नीट में अच्छा कर रहा है इसलिए उसको एडमिशन मिल गया कहीं ऐसा ही तो नहीं होने वाला ऐसे हाँ, ही होने वाला है अब इसका मतलब होगा कि हमारे पास बच्चे आएंगे और ये अभी भी होता है कुछ हद तक लेकिन अभी ज्यादा होगा जैसे कैलकुलस का कोर्स है तो उन्हें एक फ़ंक्शन डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्सक्वायर है उसका डेरेवेटिव है टू एक्स बच्चे को ये नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है उसे ये रटा हुआ है कि कोई चीज़ होती है एक्सक्वायर और कोई चीज़ होती है डेरेवेटिव बस उसे ये वर्ड्स पढ़ना है और एक्सक्वायर का डेरेवेटिव टू एक्स होता है और अगर इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाए तो थर्ड स्टेप में तुम लिखोगे कि एक्सक्वायर का डेरेवेटिव टू एक्स है और तुम एक रटा हुआ सल्यूशन वहाँ लिखते होगे गए सल्यूशन की माने क्या है उसमें कहाँ पे कोई चीज़ क्यों की उसके पीछे क्या है नहीं पता है अभी भी ऐसे बच्चे काफ़ी आते हैं इस कोचिंग की वजह से क्योंकि स्कूल में उन्हें नहीं सीखा अब सभी ऐसे आएंगे <laughs> तो आई थिंक इससे खाली ये नहीं है कि यू नो अमीर बच्चे आएंगे बट सबके एजुकेशन ख़राब होने वाला है जो हमारे पास बच्चे आएंगे वो बहुत कम प्रिपरेशन के साथ आएंगे और जो जो हमारे अगर हम लोगों ने ये कर लिया तो जो बच्चे हमारी पढ़ाई से निकल के आगे मास्टर्स और पी एच डी के लिए जाएंगे तब वो लोग शिकायत करेंगे कि ये कॉलेज से कुछ सीख के नहीं आए यहाँ <laughs> तो यही तो हो रहा है हमारे मॉल के साथ अभी शुक्रिया बात करने के लिए तो ये थे अंबर हबीब जिनसे हमने बात की यूजीसी के ड्राफ्ट आ, फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर और तमाम आस्पेक्ट्स पर बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक्स से शुक्रिया